अब्बा जी ये पैनामा लीक्स के ऊपर देखे इंग्लैंड और ब्राजील में कितना फिट एहतजाज हुआ है। बेटा खुददार कौम है वो बड़ी, वहां पे कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकता। एक दफा जवानी में मैं खुद इंग्लैंड गया, मैं देख के हैरान रह गया। वो कोई कितना भी बड़ा हो कानून सबके लिए एक है, तभी तो वो मुल्क हमसे आगे है। हर चीज उनकी सेट है, लोगों को अपने हकूक और फराइज का बिल्कुल पता है, हर चीज में इंसाफ होता है वहां पे। ईमान से दिल खुश हो गया था देख के। पर हमारे लीडर्स का भी तो नाम आया, पता नहीं कब हमारी कौम इनके खिलाफ भी आवाज उठाएगी। और ये बेटा सब इमरान खान की साजिश है। है जी? हाँ जी। पर पेपर तो पैनामा से लीक हुए हैं, ये इमरान खान बीच में कहां से आ गया? ओ यार यहूदी है ना, तो उसका ससुराल ही हुआ ना, उसके ससुराल ने मिलके ये साजिश की है, यहूदी साजिश। बेटे बड़ी लंबी गेमें होती हैं, तुम बच्चे नहीं समझोगे। उसका ससुराल इंग्लैंड में है, पैनामा तो एक क्रिश्चियन कंट्री है। ओ यार तुम बच्चों का मसला क्या है? सबसे बड़ा चोर इमरान खुद है, ज़कात के पैसे खा जाता है। दो जरा हिसाब दो। नहीं नहीं मुझे वो जो पैसे डुबोए हैं उसने हॉस्पिटल के, उसका हिसाब दो, ज़कात का हिसाब दो पहले मुझे। ये ले ऑडिटेड रिपोर्ट जिसमें शौकत खानम की सारी तफसीलात है। हैं? और ये नहीं चाहिए हिसाब, चाहिए हिसाब, चाहिए ज़कात के पैसे जो डुबोए हैं। तो यही तो हिसाब होता है, ये ऑडिटेड रिपोर्ट सर्टिफाइड होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से, और इसमें एक एक रुपए का हिसाब होता है। और नहीं मुझे यार मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं, आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी एनीथिंग राइट नाउ। मुझे हिसाब चाहिए, मुझे हिसाब दो, मुझे ये पेपर दूर करो, मुझे हिसाब चाहिए, हिसाब दे दो यार बस। तो ये ले ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ ले। ओ यार लाइट तो नहीं चली गई, पता नहीं नजर कुछ नहीं आ रहा यार, हिसाब दे दो यार, नजर कुछ नहीं आ रहा, हिसाब दे दो। ओ यार ये लाइट किने बंद की दी है, और मैंने नजर कुछ नहीं आ रहा। ओए होए यार पेट में एकदम दर्द से शुरू हो गई है। बाथरूम जाना पसंद करेंगे के इंग्लैंड? ये तुम आजकल के जो बच्चे हो ना, ये फेसबुक यूज कर करके ना दिमाग खराब हो गए तुम लोगों, इतना शुक्र हो गए हो। सब कुछ ठीक चल रहा है मुल्क में, सड़कें चल गई हैं, बसें चल गई हैं, अब ट्रेन भी चलने वाली है, रोजगार स्कीम से देखो कितने लोगों की नौकरियां लग गई हैं। इसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। बिल्कुल मुल्क सही चल रहा है, तुम लोगों ने रोना डाला हुआ है। हर वेले बंदे को नौकरी मिल गई है, ऐसी रोजगार स्कीमें निकली हैं, लोन मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, सब कुछ सही हो रहा है, सब आराम से रह रहे हैं, तुहानू स्यापा पिया होया। एक मिनट जी रियाज साहब, कोई खुशखबरी सुनाओ। फ्रांस का नहीं हुआ? वो तो जर्मनी का ट्राई कर लो यार, कितने ट्राई करके यार मेरे छोटे भाई के बेटे को यहाँ से निकलवाओ, बेचारा MBA करके बैठा हुआ है, वेला बैठा हुआ है। आपको तो पता यहाँ के हालात कितने ख़राब हैं, ना नौकरी है, ना लाइट है, ना पानी है, कख भी नहीं है, गए थे पूरा दिन वेला बैठा रहता, कंदील वेख वेख के जलील हो गया, बड़े हालात ख़राब हैं जनाब यहाँ पे, कुछ करके बच्चे को यहाँ से निकलवाओ बस, कुछ नौकरी शौकरी का बंदोबस्त करवाओ बाहर उसको, प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, आसान रहेगा आपका मेरे पे, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, और सब कुछ तो ठीक है इस मुल्क में, बेरोजगारी खत्म हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, एवं तुसी ना शुक्र है, आजकल के जो बच्चे नमूने पैदा हो गए पता नहीं कितों, तुम लोगों को तो शुक्र गुजार होना चाहिए हमारे जो लीडर है उनका, इतनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने हमारे लिए। वड़ गया भाई मुल्क पांडे दे।